हेलो इन कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट इन्फोर्समेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स पेरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। आप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल डी, इसमें मॉड्यूल बी को हम फटाफट करने वाले हैं सो दैट आपका जो मॉड्यूल डी है उसका रिविजन हो जाए और एग्जाम में इसका बेनिफिट मिले। तो आज आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें मॉड्यूल डी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पास कराने में आपको हेल्प करता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं तो जो हमारी यूनिट नंबर 51 है, ठीक है, मॉड्यूल डी में यूनिट नंबर 51, 52, 53, 54, 55, तो हम पांचों यूनिट में फटाफट एक बार जो नजर तो एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, एथिक्स एंड द इंडिविजुअल लेवल, इसको लेकर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी यूनिट नंबर 52 और 51 और 52 यहाँ पर रहने वाली है। एथिक्स इन बैंकिंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें एथिक्स इन वैल्यूज, एथिक्स इन बिजनेस वैल्यूज, बिजनेस एथिक्स, एथिकल क्राइसिस, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में जो अराइज होता है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि जो एथिक्स है, एथिक्स क्या होता है। तो एक्चुअल में जो एथिक्स है एक ऐसा सिस्टम है, दिस इज द मोरल ऑफ प्रिंसिपल, मोरल ऑफ प्रिंसिपल का सिस्टम है यहाँ पर, एंड इसको कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी, है ना। यहाँ पर एज ए अगर ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, क्या गुड है, क्या क्या अच्छा है, क्या खराब है सोसाइटी के लिए, है ना, क्या सोसाइटी के लिए यहाँ पर अच्छा होगा, क्या खराब होगा, क्या सोसाइटी के लिए रॉन्ग है, क्या सोसाइटी के लिए राइट है। यहाँ पर जैसे अगर हम कंपनीज की भी बात करते हैं, इंडिविजुअल्स की भी बात करते हैं, तो हमें हमेशा सोसाइटी के लिए अच्छा ही सोचना है, ठीक है। तो वो हमारे जो मॉरल प्रिंसिपल्स है उसको इंडिकेट करता है। तो यहीं से हमारा जो एथिक्स है वो निकल कर आता है कि भाई हम सोसाइटी और सोसाइटी में पले बड़े हैं तो हमें सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा यहाँ पर करना चाहिए, है ना, हमें किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए यहाँ पर। उसके बाद में अगर हम इंपोर्टेंस की बात करते हैं जो एथिक्स की बैंकिंग सेक्टर में, वो क्या है, सबसे पहले जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। हर एवरी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो बैंकिंग सेक्टर कहलाता है ना, बैंकिंग सेक्टर उसकी जो बैकबोन होती है यहाँ पर। और अगर आप की प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, है ना, अगर यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के फंक्शंस में की प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स की बात करते हैं, तो बैंक चलता है ट्रस्ट के ऊपर। जिस बैंक में पब्लिक का जितना ज्यादा विश्वास होगा वो बैंक उतना ही आगे बढ़ेगा। तो ट्रस्टवर्दीनेस, बैंकिंग प्रोफेशनल, ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल और एक्सीलेंट लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। जब यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो एथिक्स को फॉलो करेंगे तो नीचे की हायरार्की में बिल्कुल यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो एथिक्स को यहाँ पर फॉलो करेंगे। अगर हम एथिक्स और बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं, है ना, एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यूज की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बिजनेस वैल्यूज की बात करते हैं तो बिजनेस वैल्यूज क्या है, इट इज द इनफॉर्मल टर्म जिसमें यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं ऑल द फॉर्म ऑफ वैल्यूज, है ना, डिटरमाइन द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ द फर्म इन लॉन्ग रन, है ना, लॉन्ग टर्म में, कोई भी लॉन्ग रन में या लॉन्ग टर्म में कोई फर्म यहाँ पर अच्छा काम करेगी उसका जो पाथ है वो अच्छा होगा, वो उसकी बिजनेस वैल्यू से इंडिकेट करता है। कंपनी का जो विजन होता है, मिशन होता है, वहां से निकल कर आता है। वहीं पर अगर हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं तो दिस इज एस्टैब्लिश अ प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स दैट गाइड बिहेवियर इन द वर्ल्ड बिजनेस। और यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिक एक्शंस की बात करते हैं, कोई किसी कंपनी ने कोई जो एक्शन लिया है, कोई काम किया है, वो राइट है या रॉन्ग है, एथिकल है या अनएथिकल है, ये कौन बताएगा, ये उस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर है, इंटरेस्ट ग्रुप है या लीगल सिस्टम है या कम्युनिटी है, वो बताएंगे कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है या खराब है। हम अपने आप से कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो अच्छा है या खराब है, हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा खुद को लेकर जो परसेप्शन है अलग हो सकता है। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी, ठीक है, उसको अच्छा बता रही है तो कहीं ना कहीं वो अच्छा है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जो बिजनेस एथिक्स है और बिजनेस वैल्यूज है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है। तो भाई बिजनेस एथिक्स में एथिक्स जो है, एथिक्स क्या है यहाँ पर, दैट इज रेफर गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट दैट एड्रेस क्वेश्चंस अबाउट मोरालिटी, कि यहाँ पर मॉरली क्या सही है क्या गलत है, उस चीज को यहाँ पर बिजनेस एथिक्स इंडिकेट करता है। और जो बिजनेस वैल्यूज हैं, अगर हम बिजनेस वैल्यूज की बात करें, तो बिजनेस वैल्यूज में क्या जाएगा, यहाँ पर ये डिफाइन करता है प्रिंसिपल एंड आइडियाज, जो ऐसे प्रिंसिपल और आइडियाज जो क्या करते हैं यहाँ पर मेकिंग, है ना, हेल्प देम मेकिंग जजमेंट ऑफ व्हाट इज मोर इंपोर्टेंट, है ना, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपोर्टेंट है, ऐसा जो जजमेंट है उसमें यहाँ पर जो बिजनेस वैल्यूज है वो हेल्प करते हैं। अगर हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं, ये मोरल प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम है, वहीं पर अगर हम बिजनेस वैल्यूज की बात करते हैं तो दिस इज इंड्यूसिव थिंकिंग, वहीं पर व्हाट इज मोरली करेक्ट और करेक्ट इन गिवन सिचुएशन। और जो बिजनेस वैल्यूज की बात करते हैं, व्हाट वी वांट टू डू और अचीव, हम क्या यहां पर अचीव करना चाहते हैं एंड यहां पर हम कहां पहुंचना चाहते हैं, वो भी हमारा बिजनेस वैल्यूज में आ जाएगा। उसके बाद में व्हाट इज मोरली करेक्ट और इनकरेक्ट, ये हमारा बिजनेस एथिक्स में आएगा। मैग्नीट्यूड, है ना, अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ वन ऑफ द ऑप्शंस, ये हमारा बिजनेस एथिक्स में अवेलेबल होता है, ये हमारा बिजनेस एथिक्स का पार्ट है। वहीं पर अगर हम किसकी बात करते हैं, जो बिजनेस वैल्यूज है वो किस चीज को इंडिकेट करता है, बिजनेस वैल्यूज हमारा इंडिकेट करता है कि इट एक्सप्लेन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को यहां पर बताता है। तो बिजनेस एथिक्स में अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने क्या बोला कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है यहां पर, है ना, बोथ कस्टमर एंड इंडस्ट्री एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं। हम एथिक्स की बात करते हैं तो उसमें यहां पर इंटरनल स्टॉक, है ना, एथिक्स में जो इन्वॉल्वमेंट होता है बोथ इंटरनल स्टेक होल्डर और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। अगर हम इंटरनल स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो उसमें यहां पर एम्प्लॉयज आते हैं, और वहीं पर अगर हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो यहां पर इन्वेस्टर, लेंडर और कस्टमर देखने को मिल जाते हैं। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स में क्या है, डिग्निटी है यहां पर, है ना, अगर हम डिग्निटी की बात करते हैं तो हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उसके बाद में फेयरनेस, हमें कस्टमर से कुछ भी छिपा के नहीं रखना है, हमें अपने कस्टमर के साथ ईमानदार रहना है, ठीक है, ओपननेस रहना है यहां पर, ठीक है, सब कुछ
यहाँ पर कस्टमर को डिस्क्लोज कर देना है जो डिस्क्लोज करने लायक है यहाँ पर, ठीक है, और जो रेपुटेशन और गुडविल है उसको बिल्ड करने के ऊपर काम करता है। वहीं पर अगर हम प्रूडेंस की बात करते हैं, जो प्रूडेंस है उसमें क्या आता है कि जो भी स्टाफ होता है जिसके पास में अगर एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ठीक है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, वो प्रूडेंस को इंडिकेट करता है। कंसर्न फॉर अदर्स, तो यहाँ पर हमें दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए, है ना। डिग्निटी की हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रीट ईच है ना ईच अदर विद रेस्पेक्ट, हमें एक दूसरे के साथ में रेस्पेक्ट के साथ में यहाँ पर ट्रीट करना चाहिए, चाहे हमारे कलीग्स हो यहाँ या हमारे कस्टमर हो यहाँ पर। वहीं पर अगर हम कर्टेसी की बात करते हैं तो कर्टेसी एक मेजर एलिमेंट है डिग्निटी का। वहीं पर अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो प्रोफेशनल रेस्पेक्ट एंड कर्टेसी, है ना, हम यहाँ पर एज ए प्रोफेशनली डील कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो हमें कस्टमर के साथ में, स्टाफ के साथ में एक दूसरे की प्रोफेशनली रेस्पेक्ट और कर्टेसी करनी चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट मेकिंग है वही ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, कस्टमर इंटरेस्ट में भी यहाँ पर काम करें। उसके बाद में फेयरनेस की बात करते हैं, फेयरनेस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एक्शन है, प्रोसेस है और कॉन्सिक्वेंसेस है, एक्शंस मोरली राइट होना चाहिए, प्रोसेस की बात करते हैं प्रोसेस ऑनरेबल होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं तो लिक्विटेबल होना चाहिए यहाँ पर, जिसमें कोई भी आसानी से आकर इन्वॉल्व हो सके, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और जस्टिस की बात की जाती है फेयरनेस में, है ना, एवरीवन गेट इक्वल शेयर, तो यहाँ पर ये सिंपल इक्वलिटी को इंडिकेट करता है, और पीपल गेट शेयर अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन, उनको अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से शेयर मिलता है, वो उनकी कमर्शियल इक्वलिटी कहलाती है। पीपल गेट शेयर अकॉर्डिंग टू नीड, है ना, ये यहाँ पर उनके सोशलिस्ट जो मॉडल है उसको इंडिकेट करता है। वहीं पर नेक्स्ट आ जाता है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की बात करते हैं, ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर हमें रहना है, और जो ऑनेस्टी है किसी भी बिजनेस प्रैक्टिसेस में दैट इज ऑलवेज रिवॉर्ड द बिजनेसेस, है ना। ऑनेस्टी से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रस्ट बिल्ड होता है, किसके अंदर ट्रस्ट, जो एम्प्लॉइज है, कस्टमर है, अदर स्टेक होल्डर है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, बैंक के प्रति जो ट्रस्ट है वो यहाँ पर बिल्ड होता है, तो इससे उस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट मिलता है। ओपननेस की बात करते हैं, तो हमें कस्टमर से कुछ भी छिपाना नहीं है, नॉट कंसील्ड, नॉट पॉसिबल टू ए फर्म रिवील वीटल इन्फॉर्मेशन, अगर यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसके बारे में हम कस्टमर को नहीं बता सकते, कस्टमर को रिवील नहीं कर सकते, तो यहाँ पर उसके बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म कर देना है, और जो चीजें कस्टमर को बताने लायक है उसके बारे में हम कस्टमर को इन्फॉर्म करें। उसके बाद में रेपुटेशन एंड गुडविल की बात करते हैं, तो अगर हम रेपुटेशन और गुडविल की बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ एसेट्स, है ना, यहाँ पर जो गुडविल और रेपुटेशन है किसी भी बिजनेस की मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट्स में आता है, और बिजनेस शुड वर्क, है ना, जो बिजनेस है उसे अपनी जो रेपुटेशन है मार्केट में वो बिल्ड करने के लिए यहाँ पर काम करना चाहिए, वो बिल्ड करने के लिए यहाँ पर, है ना, वर्क करना चाहिए। वहीं पर अगर हम प्रूडेंस की बात करते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू मेक राइट डिसीजन, है ना, प्रूडेंस में ये किसी भी बिजनेस फर्म के पास में, किसी भी बैंक के पास में राइट डिसीजन लेने की यहाँ पर एबिलिटी को इंडिकेट करता है। और ये जो कहां से आता है, ये एबिलिटी कहां से क्रिएट होती है, ये एबिलिटी नॉलेज और एक्सपीरियंस से क्रिएट होती है। जितनी ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस होगी उतना ही यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी होगी यहाँ पर। उसके बाद में कंसर्न फॉर अदर, कोई भी बैंक हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, है ना, उसे यहाँ पर सीएसआर एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, एवरी बिजनेस फर्म, हर बिजनेस फर्म यहाँ पर सोसाइटी में उसका जन्म होता है, सोसाइटी में ग्रो करती है, है ना, तो यहाँ पर सोसाइटी के लिए उसे अच्छा करना चाहिए। सोसाइटी में उसका बर्थ हुआ है, सोसाइटी में उसने ग्रो किया है, सोसाइटी में सर्वाइव कर रही है, तो यहाँ पर हर बिजनेस फर्म को सोसाइटी ही यहाँ पर क्या कर रही है, सोसाइटी में ही वो अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, तो इट मींस सोसाइटी से वो सब कुछ मिलना है, तो उसकी यहाँ पर जिम्मेदारी सोसाइटी के प्रति भी है कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें यहाँ पर। और गांधी जी की जो फिलोसफी है ट्रस्टशिप की, वो कहती है यहाँ पर, चाहे हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं, तो बोथ आर इक्वल पार्टनर, मैनेजमेंट और लेबर दोनों के दोनों इक्वल पार्टनर होते हैं, मैनेजमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता और जो स्टाफ है, लेबर है, वो अकेला कुछ नहीं कर सकते, दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पर बोथ लेबर एंड मैनेजमेंट सेपरेटली कैन नॉट मेक एनीथिंग यूजफुल, है ना, कुछ वो यूजफुल नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम लेबर और कैपिटल साथ मिलकर काम करते हैं तो दे प्रोड्यूस वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करने का काम करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में अगर हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं प्रैक्टिस इन इंडिया में, तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, तो यहाँ पर जो एथिक्स है इंडियन बिजनेस में उसको 1980 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, 1980 में आया, और जो कंपनीज है डेवलप फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी ओवरसाइट एंड कंट्रोल इज नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना, इट इज द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हर कंपनी को, है ना, अपने यहाँ पर एक फॉर्मल सिस्टम डेवलप करने के लिए बोला गया है कि भाई अपनी जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी ओवरसाइट एंड जो कंट्रोल है, फीडबैक सिस्टम है, वो आपके अच्छे होने चाहिए, सो दैट क्या चल रहा है इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन को पता हो, और कुछ भी हैपन होता है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद में सेबी की बात करते हैं, तो सेबी एस्टैब्लिश हुआ था 1992 में, तो इसका जो क्लोज है यहाँ पर 49, उसमें जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है इन 2005, तो लास्ट कमेटी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर थी वो थी उदय कोटक कमेटी, तो उसने जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पर दी थी 2018 में, 2018 में यहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी, और इन रिकमेंडेशंस को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया था इसकी तरफ से, सेबी की तरफ से, तो 2018 में रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली गई थी। उसके बाद में अगर हम एथिकल क्राइसिस की बात करते हैं, तो एथिकल क्राइसिस में कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले वो प्री क्राइसिस वाली सिचुएशन में होती है, प्री क्राइसिस वाली सिचुएशन जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, है ना, स्मूथ बिजनेस चल रहा है यहां पर, ठीक है। उसके बाद में यहां पर ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज चल रही है, क्राइसिस आएंगी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट होता है प्रिवेंशन ऑफ क्राइसिस। अगर हम प्रिवेंशन ऑफ क्राइसिस की बात करते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइसिस में क्या होगा, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहां पर फोकस करती है किस चीज के ऊपर, वो ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है यहां पर कि भाई अगर क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है तो उसके लिए हमारा उसके लिए हम तैयार रहे, हमारे यहां पर क्राइसिस ना आए, तो इसके लिए कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पर एथिकल ऑडिट कराती हैं, और जो एथिकल मैनेजर्स हैं उनको अपॉइंट करती है, और एथिकल मैनेजर यहाँ पर अपने प्लान भी तैयार करते हैं, सो दैट अगर एथिकल क्राइसिस
वाली सिचुएशन आती है तो उससे यहाँ पर कैसे निपटा जा सके। उसके बाद में नेक्स्ट आती है विस्ले ब्लोवर पॉलिसी। विस्ले ब्लोवर पॉलिसी बैंक में होनी चाहिए यहाँ पर, है ना, बैंक में होनी चाहिए यहाँ पर। और विस्ले ब्लोवर पॉलिसी बैंक फॉलो कर रहे हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ गलत चल रहा है, कोई करप्शन हो रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, कुछ ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं जो जो क्या है यहाँ पर, जो बैंक के अगेंस्ट में है, जो कस्टमर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, जो कंट्री के अगेंस्ट में है यहाँ पर, है ना, ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, तो उसमें जो भी स्टाफ है, एम्प्लॉइज है, उसको इसे डिस्क्लोज करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये सब निकल जाता है और क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाती है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था, है ना, जो नीरव मोदी है वो बहुत बड़ा स्कैम करके, है ना, भाग गया था, तो वो पीएनबी के लिए क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई, तो ऐसे केस में कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो लूज हो जाता है ना, कस्टमर का ट्रस्ट लूज हो जाता है, तो ऐसे केस में टॉप मैनेजमेंट को सामने निकल कर आते हैं और जो टॉप मैनेजमेंट है वो यहाँ पर प्रेस में आके, है ना, ब्रीफिंग देते हैं क्या हुआ है और आगे हम इससे कैसे निपट रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो वापस से इंक्रीज होने लगता है कि जो मैनेजमेंट है, है ना, वो इस सारी चीजें बता रहा है कैसे करेंगे, तो इससे कस्टमर को क्लैरिटी रहती है, सारी स्टेक होल्डर को क्लैरिटी रहती है। उसके बाद में क्राइसिस वाली सिचुएशन के बाद में नेक्स्ट आती है पोस्ट क्राइसिस। अगर हम पोस्ट क्राइसिस की बात करते हैं तो पोस्ट क्राइसिस वाली सिचुएशन इससे ओवरकम, है ना, पोस्ट क्राइसिस में ये जो क्राइसिस वाली सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है, क्यों इसके पीछे के जो कारण है, रीजन है, उनको ढूंढा जाता है और फिर यहाँ पर इससे बाहर निकलने के बाद में फिर से प्री क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो काम करता रहता है। उसके बाद में अगर हम एथिकल फाउंडेशन की बात करते हैं बैंकिंग में, तो बैंकिंग में जो एथिकल फाउंडेशन है, तो सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिपेंड ऑन द वेरियस मोरल ऑफ कंडक्ट, है ना, तो उसमें यहाँ पर जो बैंक है, बैंक को ट्रस्टफुलनेस, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पर फॉलो करना है। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर किसी भी बैंक के लिए, यहाँ पर अपना जो बिजनेस है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। अगर हम नीड ऑफ इंपोर्टेंस की बात करते हैं एथिक्स इन बैंकिंग में, तो यहाँ पर एथिक्स हेल्प इन डीलिंग विद डिलेमा सिचुएशन, है ना, अगर कोई डिलेमा वाली सिचुएशन है उसे डील करने में यहाँ पर जो एथिक्स है वो हेल्प करता है। डिलेमा वाली सिचुएशन ऐसी होती है, मेरे सामने दो करेक्ट चीजें हैं, दो सही चीजें हैं, मैं इनमें से कौन सी चूज करूं, है ना, मैं कंफ्यूज हूं यहाँ पर, मैं इसको चूज करूं या इसको चूज करूं, है ना, ये डिलेमा वाली सिचुएशन होती है। तो उससे निकलने में जो एथिक्स है वो हेल्प करता है यहाँ पर। एंड उसके बाद में रेपुटेशन और गुडविल को यहाँ पर गार्ड करना चाहिए, उसको, है ना, प्रोटेक्ट करके रखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रेपुटेशन और गुडविल के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद में जो एथिक्स है बैंकिंग में, वो जो रिस्क है, रिस्क को अवॉइड करने में हेल्प करता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर फॉलो करती है। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग में प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट, न्यूट्रलिटी, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, तो ये चार यहाँ पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट, न्यूट्रलिटी, रिलायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद में अगली यूनिट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, यूनिट नंबर 52। तो यहाँ पर वैल्यूज, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, वैल्यूज। तो वैल्यूज आर स्टैंडर्ड्स, है ना, जो वैल्यूज हैं वो क्या है, हमारे स्टैंडर्ड हैं, डिटरमाइन व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है, क्या सही है, क्या वाइज है, क्या बेनिफिशियल है, इस चीज को डिटरमाइन करने में हमारी जो वैल्यूज है वो यहाँ पर हेल्प करती है। और जो वैल्यूज है किसी भी पर्सन में, दैट इज एम्बेडेड अर्ली इन हिज लाइफ, है ना, जब बच्चा छोटा होता है उसी टाइम पर उसके जो चारों तरफ का माहौल होता है, उसके जो चारों तरफ का एनवायरमेंट होता है, उसी से उसकी वैल्यूज का क्रिएशन होता है, है ना। और जैसी उसकी वैल्यूज होंगी वैसा ही उसका बिहेवियर होगा, वैसा ही उसका जो एटीट्यूड है वो फॉर्म होगा यहाँ पर। और ये जो चीजें हैं, जो जिस जैसे एनवायरमेंट में हम पले बड़े होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है, इट बिकम द पार्ट ऑफ आर सबकॉन्शियस माइंड, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का यहाँ पर पार्ट हो जाता है ना। दे आर डिराइव्ड नॉर्म ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, हैव टू बी रीइंफोर्स टाइम अगेन। उसके बाद में अगर हम वैल्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं यहाँ पर, तो ये जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज प्रोवाइड स्टैंडर्ड एंड कॉम्पिटेंस ऑफ मॉरलिटी, ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्पिटेंस के स्टैंडर्ड और मॉरलिटी उसको प्रोवाइड करता है वैल्यूज। वैल्यूज बहुत ज्यादा नहीं होती नंबर में, तो वैल्यूज आर नॉट लार्ज इन नंबर, वी हैव फ्यू सेलेक्ट वैल्यूज, कुछ ही वैल्यूज होती है, कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार है ना, कोई व्यक्ति सॉफ्ट स्पोकन है यहाँ पर, ठीक है, तो ये उसकी वैल्यूज को इंडिकेट कर रहा है। वैल्यूज एक्ट एज ए मीजर, तो जो जैसी हमारी वैल्यूज है वो मीजर करने में हेल्प करेगी कि हमारी पर्सनलिटी कैसी। एंड जो वैल्यूज हैं रिलेटिवली परपेचुअल होती हैं, कंटिन्यू रहती हैं, रेसिलिएंट टू चेंज, आप इनको इतनी जल्दी से चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर, है ना, इनको चेंज करना आसान नहीं है। तो जो वैल्यूज हैं हमारी कोर पर्सनलिटी को इंडिकेट करती हैं यहाँ पर, और वैल्यूज से ही हमारा जो जजमेंट एलिमेंट है वो क्रिएट होता है। जैसी हमारी वैल्यूज होगी, हमारा देखने का नजरिया, हमारा सोचने का नजरिया वैसा ही होगा। वैल्यूज को आप क्लासिफाई कर सकते हैं यहाँ पर दो पार्ट्स में, एक होती है टर्मिनल वैल्यू, एक होती है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। अगर मैं टर्मिनल वैल्यू की बात करूं, तो टर्मिनल वैल्यू एक अल्टीमेट गोल होता है यहाँ पर, जो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो, अपनी लाइफ टाइम में उसको अचीव करना चाहता है ना, एक ऐसा गोल जो कोई व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में अचीव करना चाहता है, वो टर्मिनल वैल्यू को इंडिकेट करता है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज की बात करें, तो इट इज अ टूल और मींस फॉर टर्मिनल वैल्यू। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती है वो एक तरह का टूल है जो हमारी टर्मिनल वैल्यू को अचीव करने में हेल्प करता है। हमारे मोड्स ऑफ बिहेवियर, कोर वैल्यूज, है ना, जो परमानेंट इन नेचर है, ठीक है, उन सबसे मिलकर बनता है यहाँ पर, जो हमारे जो यहाँ पर एक अल्टीमेट गोल है लाइफ में उसको अचीव करने में हेल्प करता है। वहीं पर अगर हम नॉर्म्स की बात करते हैं, तो नॉर्म्स में इट मींस रूल्स और स्टैंडर्ड दैट डिफाइन एप्रोप्रिएट एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर एनी गिवन सिचुएशन। तो कोई भी यहाँ पर जो गिवन सिचुएशन है उसमें जो नॉर्म्स हैं, ये एक तरह के नॉर्म्स क्या होते हैं, एक तरह के रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पर, रूल्स और स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे यहाँ पर, जो किसी भी गिवन सिचुएशन में हमारे एक्सेप्टेबल बिहेवियर को इंडिकेट करता है, हमारे एक्सेप्टेबल बिहेवियर को बताएगा यहाँ पर।
एंड दीज आर इनफॉर्मल गाइडलाइंस, एक तरह की इनफॉर्मल गाइडलाइंस है जो हमारे बिहेवियर और एक्शन को कि हमारे जो सोसाइटी में नॉर्मली जो कंसीडर जाने वाला जो हमारा बिहेवियर है एक्शंस है वो यहाँ पर इन इनफॉर्मल गाइडलाइंस से इंडिकेट होगा। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों से हमें है ना शिष्टाचार के साथ में बात करना चाहिए, हमें जो हमसे बड़े होते हैं उन्हें हमें ग्रीटिंग्स है ना, और उसके बाद में जिस कंट्री में जाओगे जिस देश में जाओगे है ना दुबई में जाओगे तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, वहाँ के जो रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के वो तो अलग है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा। यूएस में जाओगे वहाँ की सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप वहाँ पर रहोगे, ठीक है। तो नॉर्म्स सीन एज एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर शेयर्ड बाय द लार्जर सेगमेंट टू द सोसाइटी, और जो ये कहां से बनते हैं तो ऐसी चीजें जो सोसाइटी में लार्जली एक्सेप्टेबल है, मतलब उस एरिया के जो लोग हैं वहां के जो लोग हैं ठीक है उनको जो चीजें पसंद हैं जो चीजें एक्सेप्टेबल हैं उनकी सोसाइटी में तो वही वहां के नॉर्म्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई उसका वॉयलेशन करता है तो पूरी सोसाइटी को अच्छा नहीं लगता यहां पर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बिलीफ, तो बिलीफ क्या होती है, हम किस चीज में बिलीव करते हैं, हमारी बिलीफ कैसी है, तो बिलीफ इन दी एथिकल कोड आर स्टैंडर्ड ऑफ थॉट्स, तो हमारी जैसे थॉट होंगे जो हमारी सोच होगी यहां पर वही हमारी बिलीफ को क्रिएट करेगा है ना, और जो बिलीफ है जनरेट इमोशंस, कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो हमारी जैसी बिलीफ होगी उसको लेकर वैसे ही हमारे जो इमोशंस है वो जनरेट होते हैं, ठीक है। तो बिलीफ हमारी किसी आइडिया को लेकर है ना, सोशल वर्ड को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर हमारी जो बिलीफ है वो जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ थॉट्स है उसी से इंडिकेट होगा। वहीं पर अगर हम कोर वैल्यूज की बात करते हैं तो कोर वैल्यूज आर द फंडामेंटल बिलीफ ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, दीज गाइडिंग प्रिंसिपल डिक्टेट बिहेवियर एंड हेल्प पीपल अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, है ना, क्या सही है क्या गलत है ना, उसमें यहां पर लोगों को समझने में हेल्प करता है, उनके प्रिंसिपल बिहेवियर को गाइड करता है जो उनकी कोर वैल्यूज होती है ना, ये क्या होती है, दीज आर द फंडामेंटल बिलीफ ऑफ किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन और वो उसी के हिसाब से बिहेव करता है। वहीं पर अगर हम कोर वैल्यूज की बात करते हैं, जो कोर वैल्यूज है वो भी यहां पर कंपनीज को हेल्प करती है टू डिटरमाइन कि वो राइट पाथ पर है ना, वो जब आगे बढ़ रही है तो उनका पाथ यहां पर सही है नहीं है ना, फुलफिल देयर गोल बाय क्रिएटिंग अनवेवरिंग गाइड। उसके बाद में अगर हम पर्सनल वैल्यूज की बात करते हैं तो पर्सनल वैल्यूज ये एक ब्रॉड डिजायरेबल गोल होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो यहां पर किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करता रहता है ना। आप सुबह उठते हैं, ठीक है, आपके सुबह उठने का जो एक रीजन है वो आपका यहां पर एक ब्रॉड डिजायरेबल गोल होगा है ना, आप सुबह उठेंगे और जो आप काम में लग जाएंगे, एक्शन लेंगे, सर्व एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल इन योर लाइफ है ना, उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा यहां पर। तो अपनी लाइफ में एक ब्रॉड डिजायरेबल जो गोल है अगर हम बना के रखते हैं तो वो हमें है ना सुबह उठाएगा और वहां पर उसके प्रति काम में लगा देगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर जो टर्मिनल वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू दोनों को मिला दोगे, दोनों को मिलाने से बनता है यहां पर पर्सनल वैल्यूज, ठीक है। यहीं पर अगर आप देखोगे जो गोल्डन रूल्स हैं, गोल्डन रूल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड है ना, इट इज ए मैक्सिम दैट इज फाउंड इन मेनी रिलीजन एंड कल्चर। तो अगर आप देखोगे ट्रीट अदर्स, जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल ऑफ एथिक्स क्या कहता है, ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक टू ट्रीट यू, आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने साथ होने देना चाहते हैं। डू नॉट ट्रीट अदर्स इन वे दैट यू वुड नॉट बी लाइक टू बी ट्रीटेड, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल ना करें जैसा आप अपने साथ नहीं होना देना चाहते। व्हाट यू विश अपॉन अदर्स यू विश अपॉन योरसेल्फ, तो दीज आर दी गोल्डन रूल्स। और यहीं पर आता है एथिकल डिलेमा, अगर हम एथिकल डिलेमा की बात करते हैं तो मिसमैच बिटवीन इंडिविजुअल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स है ना, जब यहां पर इंडिविजुअल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स के बीच में यहां पर कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है, मिसमैच क्रिएट होता है यहां पर, तो एथिकल डिलेमा होता है, ठीक है। एथिकल डिलेमा इज द प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग, तो एथिकल डिलेमा है डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहां पर, ठीक है। जब हमारे पास में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब हमारे पास में टू राइट ऑप्शन है, दो सही चीजें हैं, ये भी सही है ये भी सही है, अब इसमें से मैं किसको चूज करूं यहां पर, वो एथिकल डिलेमा है, ओके। एंड उसके बाद में एथिकल डिलेमा को सोल्व करने के लिए, सोल्विंग द एथिकल डिलेमा, तो यहां पर तीन अप्रोच है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है यहां पर एंड बेस्ड अप्रोच है ना, गुड फॉर द मोस्ट पीपल, जो सभी लोगों के लिए अच्छा है उसको चूज करें, और दूसरा है रूल बेस्ड है ना, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, बाय यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है ये, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है मतलब उसको ही चूज है ना, दो सही चीजें हैं, इनमें से यूनिवर्सल स्टैंडर्ड कौन सा है मैं उसको चूज करूंगा, या केयर बेस्ड है ना, अगर मैं इन दोनों में से कोई किसी भी चीज को चूज करता हूं, कोई भी डिसीजन लेता हूं, तो वन मोस्ट अफेक्ट योर डिसीजन, जो आपके डिसीजन को यहां पर अफेक्ट करेगा है ना, वो रहेगा हमारा केयर बेस्ड। चलिए उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, और ये सत्यम कंप्यूटर जो स्कैम हुआ था उससे रिलेटेड है यहां पर। सत्यम कंप्यूटर के बारे में बता देता हूं आपको जल्दी। सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड ये जो कंपनी है 1987 में बनी थी, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही थी, और स्टॉक मार्केट में 1991 में लिस्टेड हुई थी यहां पर, ठीक है। 1996 में इसने अपनी चार जो सब्सिडरीज हैं उनको यहां पर बनाया था, सत्यम इन्फोवी वन ऑफ दी सब्सिडरी एंड वाज दी फर्स्ट इंडियन आईटी कंपनी जो नैस्डैक में लिस्टेड हुई थी, और ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सर्वे 2005 में इसको यहां पर इसकी जो रैंक है वो थर्ड थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। तो यहां पर अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा रहा। अगर हम क्राइसिस इवेंट की बात करते हैं तो इन दिसंबर है ना, अगर आप किसको देखेंगे यहां, अगर आप यहां पर देखोगे जो दिसंबर 2008 में है ना, इट इज अनाउंस एक्विजिशन ऑफ सिग्निफिकेंट स्टेक इन माइथस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 2008 में इसने यहां पर ये आईटी कंपनी है और इसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है उसमें स्टेक परचेज कर लिया यहां पर है ना। जो माइथस प्रॉपर्टीज लिमिटेड है ये एक रियल स्टेट कंपनी है, तो यहां पर रियल स्टेट और प्रॉपर्टीज में इस कंपनी ने अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया यहां पर है ना, दैट इज और प्रमोटर फैमिली ऑफ द सत्यम, ठीक है। और ये जो किसने दोनों की दोनों जो कंपनी है, जो सत्यम फैमिली है उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हीं के पास में इसका स्टेक था, वही यहां पर इसके ऊपर काम कर रहे थे। उसके बाद में जो शेयर होल्डर हैं और मार्केट रिएक्टेड नेगेटिवली है ना, जब सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी किसमें रियल स्टेट में और इंफ्रास्ट्रक्चर में गई तो इसका यहां पर मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट आया, जो शेयर होल्डर है और मार्केट है उसने यहां पर नेगेटिवली
यहाँ पर रिएक्ट किया और विद इन ए वीक जो वर्ल्ड बैंक है उसने अनाउंस किया ए बार ऑफ 8 years ऑन दी कंपनी फॉर डेटा थेफ्ट और ब्राइबिंग दी स्टाफ। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया, यहाँ पर 8 साल के लिए इसको बैन कर दिया यहाँ पर, है ना, घूस लेने के, और है ना जो स्टाफ ने घूस ली और जो डेटा है वो चोरी हुआ यहाँ पर, और इसका जो शेयर प्राइस है वो क्रैश कर गया यहाँ पर, एंड शेयर प्राइस क्रैश हुआ और 4 साल के लोवेस्ट पर आकर रुका यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में विद इन द वीक यहाँ पर जो 4 इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर थे उन्होंने यहाँ पर रिजाइन किया, है ना, उन्होंने रिजाइन कर दिया। बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये देखने को मिली कि जो विस्ले ब्लोअर है, विस्ले ब्लोअर जो अलर्टेड ए बोर्ड मेंबर अबाउट फाइनेंशियल मिस रिप्रेजेंटेशन, जो यहाँ पर विस्ले ब्लोअर है यानी किसी स्टाफ ने अंदर से, है ना, जो बोर्ड मेंबर्स है उनको अलर्ट किया था कि जो फाइनेंशियल डेटा है यहाँ पर उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, फाइनेंशियल डेटा गलत तरीके से दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और जो कन्फेशन और इफेक्ट, तो यहाँ पर 7th ऑफ जनवरी 2009 को मिस्टर जो बी रामलिंगन राजू है उसने डिक्लेयर किया यहाँ पर कि 7800 करोड़ से ज्यादा जो फंड है उसने सत्यम से डाइवर्ट किया है कहीं और उसने यहाँ पर जो फिक्टिशियस एसेट हैं उनको यहाँ पर क्रिएट किया, कंपनी में झूठे प्रॉफिट यहाँ पर दिखाए हैं, है ना, फेक प्रॉफिट यहाँ पर बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें दिखाए यहाँ पर, और उसने फिर यहाँ पर कंपनी के चेयरमैन पद से यहाँ पर रिजाइन कर दिया। और उसके दो भाई यहाँ पर मिस्टर बी रामलिंगन राजू एंड बी रामा राजू, ठीक है, उनको भी यहाँ पर अरेस्ट कर लिया और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक नया जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको अपॉइंट कर दिया, है ना। एक सप्ताह के बाद में जो स्टेचुअरी एडिटर्स हैं उन्होंने भी एडमिट किया कि जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर इनकरेक्ट दी गई, यहाँ पर जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो गलत प्रोवाइड की गई और गलत जो फाइनेंशियल यहाँ पर स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड की गई मैनेजमेंट के द्वारा। और ये जो इंसिडेंट रेज हुआ तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका जो क्वेश्चन है वो अराइज हुआ यहाँ पर। तो जो इंसिडेंट है, ठीक है, लीडिंग क्लाइंट एंडेड दी कॉन्ट्रैक्ट, जो बड़े बड़े क्लाइंट है उन्होंने कंपनी के साथ में अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उन्होंने रिजाइन कर दिया यहाँ पर, और सेल ऑफ स्टेक इन दी ओपन मार्केट बाय दी जो की स्टेक होल्डर है। उसके बाद में कंपनी के साथ में गलत क्या हुआ यहाँ पर, तो कंपनी ने अपना जो फंड है वो डाइवर्ट किया दूसरे बिजनेस में यहाँ पर। ठीक है, जो SPIO इन्वेस्टिगेशन में ये सामने निकल कर आया कि कंपनी ने यहाँ पर गलत तरीके से जो पैसा है वो डाइवर्ट किया दूसरे बिजनेस में, और कॉन्स्पेरेंसी है वाज हैचेड सिंस 2000, जो टॉप मैनेजमेंट लेवल है वो आर्टिफिशियली यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है प्रॉफिट है बुक ऑफ अकाउंट्स में इंक्रीज कर रहे थे यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से, और फॉलिसिफिकेशन वाज डन बाय दी डिलीबरेटरी, जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें जो लूप होल्स थे उनका फायदा उठाया है, और फिक्टिशियस इनवॉइस बनाई गई, फिक्टिशियस बैंक ट्रांजेक्शन की गई यहाँ पर, फिक्टिशियस जो बैंक की फिक्स डिपोजिट है वो क्रिएट किए गए यहाँ पर सत्यम कंप्यूटर में, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें रेवेन्यू और जो फॉल्स प्रॉफिट है वो दिखाए गए, जिसकी वजह से जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ने लगा, बहुत तेजी से उसमें जंप देखने को मिला। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नाक के नीचे काम हो रहा था, उनको ये बात नहीं पता चली। ठीक है, उनको इस फ्रॉड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन के बारे में यहाँ पर नहीं पता चल पाया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को किसी भी कंपनी में इसलिए रखा जाता है कि कंपनी में अगर कुछ गलत होता है तो वो उस चीज को डिस्क्लोज करें यहाँ पर। ऑडिटर की रोल की बात करते हैं, जो ऑडिटर है उन्होंने भी इन फाइनेंशियल जो इरेगुलरिटीज मैनिपुलेशन है उसको यहाँ पर इग्नोर किया, एंड ऑडिटिंग ऑफ द बुक्स फॉर 9 years कंटिन्यूअसली दे कुड नॉट डिटेक्ट लार्ज नंबर ऑफ फॉल्स इनवॉइस, है ना, उन्होंने पिछले 9 साल से वो ऑडिट कर रहे थे, उनको पता नहीं चला कि यहाँ पर फॉल्स इनवॉइस आ रही है, है ना, यहाँ पर फिक्टिशियस बैंक ट्रांजेक्शन हो रही है, फेक कैश और बैंक बैलेंस यहाँ पर दिखाई जा रहे हैं, क्या उनको ये बात पता नहीं चली। और जो सीनियर मैनेजमेंट का रोल है, सीनियर मैनेजमेंट का जो फंक्शन हैड एक्टिव रोल इन दी कॉन्स्पेरेसी है यहाँ पर, तो सीनियर मैनेजमेंट ने ही इस जो स्कैम है उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, है ना, बहुत सारे जो लीगल वॉयलेशन है यहाँ पर उन्होंने किए। अगर हम एम्प्लॉयज के रोल की बात करते हैं तो बहुत बड़ा जो मैनिपुलेशन है इसमें फाइनेंशियल वाज कैरीड आउट थ्रू दी वेरियस टाइप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और यहाँ पर कई जो स्टाफ है, ना, कई एम्प्लॉयज का जो इन्वॉल्वमेंट भी था, तो टीम ऑफ सेवरल एम्प्लॉयज ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, है ना, उन्होंने इस तरह की एग्जीक्यूटिव जो एक्टिविटीज हैं उसको टॉप मैनेजमेंट के साथ में मिलकर यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। उसके बाद में पोस्ट क्राइसिस डेवलपमेंट, तो उसके बाद में अगर आप देखोगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्विफ्टली अपॉइंटेड प्रोफेशनल फ्रॉम डाइवर्स फील्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सत्यम, और जो प्रोफेशनल लीडरशिप है उसको हेल्प किया यहाँ पर इमीडिएट कंट्रोल दी कंपनीज ओवर, है ना, कंपनीज के जो फाइनेंसिस हैं, और उसके बाद में ऑल्सो कंटिन्यूटी ऑफ इट्स ऑपरेशन की कंपनी यहाँ पर जो अपनी एक्टिविटीज हैं उनको यहाँ पर कंटिन्यू रखे। और उसके बाद में ये जो कंपनी है ये इसने हेल्प किया यहाँ पर सालवेजिंग दी कंपनी बिजनेस और एसेट्स। और उसके बाद में इस केस स्टडी से क्या सीखने को मिलता है, ये जो सत्यम कंप्यूटर है तो इससे जो टॉप मैनेजमेंट एक्शन आर क्रूशियल, जो टॉप मैनेजमेंट है उसका एक्शन किसी भी कंपनी में बहुत क्रूशियल होता है, तो मेजर एथिकल एक्ट आर आइदर इनिशिएटेड एक्टिवली और सपोर्टेड, तो ऐसे केस में जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हमेशा नजर बनाई रखनी चाहिए और जो ऑडिटर्स हैं उनकी तरफ से प्रॉपर स्क्रूटनी करनी चाहिए यहाँ पर, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को यहाँ पर डिटेक्ट करें। उसके बाद में एम्प्लॉयज आर ए पार्टी फॉर दी सम रीजन, तो एग्जीक्यूशन ऑफ एक्ट, तो यहाँ पर जो कई ट्रांजेक्शन है उसमें जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज का हाथ होता है तो स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो स्टाफ को यहाँ पर कंपनी के लिए काम करना चाहिए ना कि मैनेजमेंट के लिए। रेपुटेशन, तो यहाँ पर रेपुटेशन नॉट ओनली फॉर वन ऑफ दी कंपनी, है ना, बट यहाँ पर जो एंटायर इंडस्ट्री है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है यहाँ पर अगर इस तरह की जो क्राइसिस होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका लॉस होता है, बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कंपनी में पैसा लगा के रखा हुआ होता है। उसके बाद में प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ दी डायरेक्टर मैटर, यहाँ पर जो डायरेक्टर है बहुत इंडिपेंडेंट एज वेल एज नॉन इंडिपेंडेंट, ठीक है, उनका भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है कंपनी के अंदर, जो भी लोग डायरेक्टर है या इंडायरेक्टर है वो यहाँ पर एथिक्स को फॉलो करें।
ठीक है, और जो ऑडिटर है मस्ट हैव प्रोफेशनल एथिक्स, और इसके साथ साथ इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस है वो यहाँ पर होना चाहिए, पोस्ट क्राइसिस जो हैंडलिंग है उस सिचुएशन को यहाँ पर हैंडल कर सके। और यहाँ पर फिर जो सत्यम कंप्यूटर है, सत्यम कंप्यूटर कोलैप्स हो गई थी, बाद में सत्यम कंप्यूटर को एक्वायर कर लिया था टेक महिंद्रा ने। तो जो टेक महिंद्रा है ना, आईटी कंपनी है टेक महिंद्रा, तो उसमें यहाँ पर सब्स्यूम हो गई थी, उसने इसको खरीद लिया था फिर सत्यम कंप्यूटर को। तो सत्यम कंप्यूटर खत्म हो गई, मिल गई जाकर कहाँ पर, टेक महिंद्रा। तो सत्यम कंप्यूटर नाउ इज द पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 51 52 के बाद में आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 53 में। और जो यूनिट नंबर 53 है वो है हमारी किससे रिलेटेड है, यूनिट नंबर एथिकल डायमेंशंस इंप्लॉइज को लेकर। तो अगर हम लोग बात करते हैं अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, है ना, बहुत सारे जो स्टाफ हैं अपनी पोजीशन का, अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल उठाते हैं, वो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, प्रोप्राइटरी जो डेटा है कंपनी का, जो सीक्रेट डेटा है उसको कॉम्पिटिटर के साथ में, अदर लोगों के साथ में शेयर करते हैं, यहाँ पर घूस लेते हैं, ब्राइब लेते हैं, करप्शन करते हैं यहाँ पर। तो इंप्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द बैंक, तो बैंक की तरफ से जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं उसको यहाँ पर जो स्टाफ है वो फॉलो करें। और अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, तो यहाँ पर अपने पर्सनल लेवल पर बेनिफिट पहुंचाने के लिए अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर को, या जो अदर यहाँ पर सेल्फिश मोटिव है उसके साथ, उसके लिए यहाँ पर जो अनएथिकल एक्टिविटीज हैं और यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन है वो लोग करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ इसका वायलेशन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन की बात करते हैं तो उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोप्राइटरी डेटा और ब्राइब्स, है ना, ये आ जाते हैं यहाँ पर। इनसाइडर ट्रेडिंग में यहाँ पर अब्यूज ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ अब्यूज ऑफ पावर क्या हो सकता है, यहाँ पर जो बैंक एम्प्लॉय है ना, बैंक एम्प्लॉय अगर पर्सनल ट्रेवल करने के लिए जाते हैं यहाँ पर, और वो यहाँ पर ऑफिशियल, है ना, क्लेम रिइंबर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस एज ए ऑफिशियल ट्रेवल के तौर पर यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस को क्लेम करते हैं तो दैट इज अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन यहाँ पर, ठीक है। शोइंग प्रेफरेंस टू कस्टमर बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी ऑफ एम्प्लॉइज, है ना, यहाँ पर जो रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं, उनको यहाँ पर प्रेफरेंस देना, ठीक है। जो ऑफिशियल रिसोर्सेस हैं, यहाँ पर जो ऑफिस की एसेट्स हैं, बैंक की एसेट्स हैं, उनका पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करना। फॉल्स क्लेम बियॉन्ड द फिक्स प्रीरिक्विट, ना, यहाँ पर जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो फिक्स की गई है उससे बियॉन्ड जाकर यहाँ पर क्लेम करना, ये सब आ जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग में देखोगे तो रजत गुप्ता का नाम बहुत बड़ा नाम आता है, रजत गुप्ता का, यहाँ पर रजत गुप्ता को इनसाइडर ट्रेडिंग में यहाँ पर इनका नाम आता है। क्यों नाम आता है? क्योंकि यहाँ पर किसी भी कंपनी का जो किसी भी कंपनी की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो टॉप मैनेजमेंट के पास रहती है। तो अगर टॉप मैनेजमेंट किसी को इस इन्फॉर्मेशन को रिवील कर देता है तो उसकी हेल्प से वो उस कंपनी के जो शेयर्स हैं उसमें बाइंग सेलिंग करके यहाँ पर प्रॉफिट, और इसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं यहाँ पर। तो एम्प्लॉय ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द इंटरनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट विच इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक, है ना, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी पब्लिक के पास में अवेलेबल नहीं है और किसी व्यक्ति के पास में वो इन्फॉर्मेशन पहले ही आ जाती है, तो उसे बोलेंगे यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी का जो अकाउंट है वो एनपी होने जा रहा है, बैंक के किसी स्टाफ को उसके बारे में पता है कि इस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है और इसका अकाउंट एनपी होने जा रहा है, जब ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक में आएगी तो कंपनी के शेयर का प्राइस क्रैश करेगा यहाँ पर। तो वो क्या करता है, यहाँ पर वो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कंपनी की, उस कंपनी के स्टॉक को, शेयर को बेच देता है, ठीक है। और जब ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में आती है तो शेयर प्राइस क्रैश होता है और यहाँ पर ना नीचे के प्राइस पर जाकर, जो लोअर प्राइस है उस पर जाकर बाई कर लेता है, तो बीच में प्रॉफिट जनरेट कर लेता है, इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो सेबी हैज इशूड इनसाइडर ट्रेडिंग रूल, सेबी की तरफ से यहाँ पर इनसाइडर जो है ना जो रूल्स हैं वो इशू किए गए हैं यहाँ पर इसको लेकर। उसके बाद में नेक्स्ट अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, है ना, अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन में डीलिंग विद द प्रोप्राइटरी डेटा, जो यहाँ पर प्रोप्राइटरी डेटा है अगर उसके साथ में यहाँ पर कुछ गलत कर रहे हैं, यानी जो प्रोप्राइटरी डेटा है कंपनी का, जो सीक्रेट डेटा है, कस्टमर का डेटा है, सेल्स का डेटा है, रेवेन्यू का डेटा है यहाँ पर, है ना, इस तरह के जो डेटा होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ट्रेड सीक्रेट है कंपनी के, अगर वो यहाँ पर किसी के साथ में शेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है, किसी कॉम्पिटिटर के साथ में शेयर कर दे, किसी और को शेयर कर दिया यहाँ पर, तो जितने भी स्टाफ होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं बैंक के अंदर या कंपनी के अंदर, तो कीप कॉन्फिडेंशियलिटी, जो डेटा ऑल दी स्टेक होल्डर, कस्टमर है, वेंडर है, प्रमोटर है, इन्वेस्टर्स हैं, या जितने भी यहाँ पर अदर एसोसिएटेड हैं यहाँ पर बैंक के साथ में, उनका जो डेटा है वो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल रहे। आपने देखा भी होगा कि कस्टमर के जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है हम किसी को शेयर नहीं करते यहाँ पर, और वहीं पर अगर हम की स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो सेंसिटिव डेटा आर कैप्ट कॉन्फिडेंशियल, जो सेंसिटिव डेटा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा रह जाता है एंड शुड नॉट बी रिवील्ड टू कॉम्पिटिटर्स, है ना, कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पर रिवील नहीं करना चाहिए। उसके बाद में अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग ब्राइब लेते हैं, घूस लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ब्राइब रेफर टू पेइंग मनी और गिफ्ट पर्सन विद मोटिव ऑफ गेटिंग सम फेवर डन, तो यहाँ पर कुछ फेवर मिल जाए, तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पैसा देते हैं कि मेरा फेवर मिल जाए, मेरा फेवर में आ जाए। जैसे कई कस्टमर आएंगे और उन्हें अपनी जो लोन सैंक्शन करवाना है, उन्हें लोन की फाइल पास करानी है, तो वो घूस देने की कोशिश करते हैं, ब्राइब देने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी स्टाफ ने ब्राइब ले ली और यहाँ पर उसकी जो फाइल है उसको पास करने में हेल्प कर दी यहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन है। टेकिंग और गिविंग ब्राइब्स बोथ अमाउंट अनलॉफुल एक्टिविटी, है ना, घूस लेना और घूस देना यहाँ पर, ठीक है, दोनों ही अनलॉफुल एक्टिविटी में आते हैं यहाँ पर और पनिसेबल है। उसके बाद में ऑब्लिगेशन टू थर्ड पार्टीज, तो यहाँ पर थर्ड पार्टीज को लेकर ड्यूटीज क्या है यहाँ पर, जब भी यहाँ पर बैंक आउटसोर्स कर रहा है अपने फंक्शन को, है ना, थर्ड पार्टीज को, तो ऐसे केस में क्लियर ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में साइन होने चाहिए, है ना, विद ऑल टर्म एंड कंडीशन इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए कि भाई जिस तरीके से हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए थर्ड पार्टी हमने आपको अपॉइंट किया है, तो आप भी